दीप जलते रहे, मन से मन मिलते रहे, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहे, सारे संसार में सुख शांति की प्रभात ले आए और ये दीपों का त्योहार खुशियों की सौगात ले आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुमन पार और लेकर हाजिर हूँ दीपावली के अवसर पर खास प्रोग्राम। दीपावली का त्योहार है। हर साल दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दिवाली का बड़ा विशेष महत्व है। दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस बार दिवाली का त्योहार कुछ खास होने वाला है। दिवाली के दिन हर घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। दीपावली से पहले पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप दिवाली के दौरान घर या फिर दुकानों में इन कोनों की सफाई नहीं करते हैं तो आपकी दिवाली शुभ नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल भगवान धन्वंतरी कुबेर देव और मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए दिवाली की पूजा से पहले इन स्थानों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दिशा देवताओं की होती है, इसलिए हर मंदिर ईशान कोण में ही बना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस कोण को साफ रखना चाहिए वरना घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर के ईशान कोण को उत्तर पूर्व दिशा कहा जाता है। यहाँ तक कि इस कोण में ऐसा कोई सामान नहीं रखना चाहिए जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो और ना तो इस दिशा में कोई गंदा सामान रखना चाहिए। घर के ईशान कोण की सफाई इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि इससे घर की वास्तु में सुधार होता है। अब बताते हैं कि ब्रह्मस्थान क्या होता है। ब्रह्मस्थान घर के बीच का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे ही ब्रह्मस्थान कहा जाता है। इस स्थान को जरूर साफ करके रखना चाहिए। इस स्थान से जरूरत में ना आने वाला सामान हटाकर अच्छी तरह से साफ करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, कोई खंडित चीज जैसे टूटा हुआ कांच का सामान, टूटा हुआ पलंग या कोई अन्य सामान इन स्थानों पर नहीं रखा होना चाहिए। दिवाली के दिन सवेरे ही उठकर घर के पूर्व के स्थानों को अच्छे से साफ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहीं घर की उत्तर दिशा का साफ होना भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इससे मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं। दिवाली आप खुशियों के साथ मनाएं और अपने परिवार दोस्तों के साथ दीपावली पर मिठाई जरूर खाएं और पटाखे ना जलाएं। आप सभी को न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से हैप्पी दिवाली। ये हो गया।